बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को डिफाइन करने जा रहे हैं। प्रीवियस दो लेक्चर्स के अंदर हमने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमने बेसिक स्टडी की और फिर उसके बाद हमने कुछ टोपोलॉजिकल और मेट्रिक मोशंस हमने डिस्कस किए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो हम मूव करते हैं फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की तरफ वेरी क्विकली। फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल या रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता था कि जिसमें आप मैपिंग्स या फंक्शंस की बात करते थे आर से आर तक, कि जिसमें आपका डोमेन सेट भी या तो वो आर होता था या सबसेट ऑफ आर होता था और कोडोमेन सेट भी आर होता था, यानी फंक्शंस की वैल्यूज जहां से लेनी है वो भी आर में से लेनी है और आंसर्स कहां पे आएंगे वो भी आर के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप देखिए, अगर आप वन पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, वन स्क्वायर। अगर आप टू पुट करते हैं तो आपको मिलेगा फोर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये थी डिस्कशन थोड़ी सी रियल वैल्यूड फंक्शन की, कि जिसमें आपका वेरिएबल एक रियल नंबर होता है और आपका जो आंसर होता है वो भी रियल नंबर होता है। हम फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को डिफाइन करने जा रहे हैं, देखते हैं कि किस तरह डिफाइन करेंगे। तो वेरी क्विकली मैं शाम से इसकी किताब से लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस की हेडिंग देते हैं, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, और इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। अ सिंबल सच एज जेड, वहां पर एक्स यूज होता था, यहां पर हम जेड यूज किया करेंगे। सच एज जेड विच कैन स्टैंड Which can stand for anyone of a set of complex numbers is called a complex variable। जिस तरह रियल वेरिएबल में आप एक्स चूज करते थे और कहते थे कि वो किसी भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, इसी तरह अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, तो आपका जो वेरिएबल जेड होगा वो यहां किसी भी सेट से बिलोंग कर रहा होगा, और क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है और वेरिएबल है तो इस मुनाजमत से इसको क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इफ to each value which a complex variable z can assume their corresponds one or more values of a complex number w, then we say that W is a function of Z, and write W is equal to F of Z. Z is the
इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड W इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. W इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, इस पूरी सिचुएशन को. क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज ये जेड प्लेन है, एक और प्लेन ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन ही, उसको हम कह देते हैं W प्लेन. ठीक है, इफ टू ईच वैल्यू विच अ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल Z कैन अज्यूम, मतलब उस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल Z की हर वैल्यू के अगेंस्ट अगर आपको किसी और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल W की एक या एक से ज्यादा वैल्यूज मिलती हैं, जैसे वहां X और Y का होता था कि X की हर वैल्यू के अगेंस्ट आपको Y की एक वैल्यू मिला करती थी, तो इस केस में आप क्या कहोगे कि क्योंकि W की वैल्यू मिल रही है, W डिपेंड कर रहा है Z के ऊपर, देन वी से दैट W इज अ फंक्शन ऑफ Z. जैसे वहां कहते थे Y इज अ फंक्शन ऑफ X, और सिचुएशन को लिखेंगे कैसे, W इज इक्वल टू F ऑफ Z. Z इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड W इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. यानी यहां से Z बिलोंग कर रहा है तो Z की हर वैल्यू के लिए W एक मौजूद होगा जो कि F ऑफ Z के थ्रू आ रहा होगा, और ये वो रूल है जिसके थ्रू Z वेरिएबल W वेरिएबल के एलिमेंट्स के साथ लिंक कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल F of Z, अगर मैं ये लूं F of Z is equals to Z square at Z is equals to 2 iota, F of 2 iota will be equals to 2 iota square which will be equals to 4 iota square which is minus 4. तो देखा कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल Z की इस वैल्यू को मैंने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल W की इस वैल्यू के साथ क्या कर दिया, कोरस्पॉन्ड कर दिया. यानी इस Z के लिए मुझे ये W मिल रहा है. अब ये W एक से ज्यादा भी हो सकता है, अगर ये हर पॉइंट पे एक ही वैल्यू देगा तो हम इसे सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कहेंगे. कॉम्प्लेक्स वैल्यूड क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर बात की जा रही है, और अगर एक से ज्यादा आंसर होंगे तो हम इसके लिए मल्टी वैल्यूड फंक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे. तो अगली मेरी हेडिंग क्या होगी, सिंगल एंड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस. सिंगल एंड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस. इफ ओनली वन वैल्यू ऑफ W corresponds to each value corresponds to each value of Z, we say that W is a single valued function of Z, or that, या फिर हम क्या लिखेंगे, F of Z is single value. यानी अगर W की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू Z की हर वैल्यू के अगेंस्ट कोरस्पॉन्ड करती जाए तो फिर आपका जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है. इफ मोर देन वन वैल्यू ऑफ W, इफ मोर देन वन वैल्यू ऑफ W कोरस्पॉन्ड्स टू ईच वैल्यू ऑफ W, सॉरी Z,
to each value of z, we say that w is a multiple valued or many valued function of z. यानी अब यूनिक आंसर नहीं आएगा, एक से ज्यादा आंसर्स आ सकते हैं किसी पॉइंट पे. एग्जांपल, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल वन, एग्जांपल वन है इफ W is equal to Z square, then to each value of Z, there is exactly one value of W. देखिए, आप Z कुछ भी पुट करें तो उसका स्केयर हमेशा एक यूनिक आंसर होगा. यानी आप Z की जगह 2 प्लस 3 योटा या जो भी इस किस्म की रकम पुट करेंगे, स्केयर लेके, स्केयर का मतलब क्या है, अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होगा, अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, तो वो सॉल्व करके आपके पास हमेशा एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर में आएगा. तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ Z, W विल ऑलवेज रिमेन यूनिक. इट मीन्स इट इज अ सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन. Exactly, only one value of W, hence W is equals to f of z, which is z square, is a single valued function of z. एग्जाम्पल टू देखते हैं. एक एग्जाम्पल हो गई मेरे पास सिंगल वैल्यूड की, अब एक देख लेते हैं मल्टीपल वैल्यूड की या मल्टी वैल्यूड की. इफ W इज इक्वल टू Z पावर 1/2, देन टू ईच वैल्यू ऑफ Z, there are two values of W. There are two values of W. For example, ये two values कैसे आती हैं? एट अगर मैं z को 4 ले लू तो W इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर 1/2. अब 4 टू द पावर 1/2, इसके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं? स्केयर रूट ऑफ 4 है. हम आमतौर पे पॉजिटिव स्केयर रूट लिखते हैं जब हम कैलकुलेटर पे काम करते हैं या वैसे काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली इसके दो आंसर्स एग्जिस्ट करते हैं. एक आंसर इसका होगा +2 और दूसरा होगा -2. इसकी रीजन क्या है? बिकॉज ये 1/2 पावर है z की. इसका मतलब यह है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 1/2 का मतलब क्या है कि ऐसी रकमें कि जिनकी पावर 2 रखने से आपको क्या मिल जाए, z मिल जाए. अब देखें, अगर आप 2 की पावर 2 रखेंगे तो यू विल गेट 4, और अगर -2 की पावर 2 रखेंगे यू विल अगेन गेट 4. तो आप जो वैल्यू कंसिडर कर रहे होते हो अंडर रूट 4 की, वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, वो प्रिंसिपल स्केयर रूट या पॉजिटिव स्केयर रूट रखा जाता है. इन जनरल देर आर टू स्केयर रूट्स, ठीक है, ऑफ देर आर टू स्केयर रूट्स ऑफ 4 ऑफ एवरी नंबर एक्चुअली. बिकॉज आपके पास एक थ्योरम भी है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के जो nth रूट्स की तादाद है वो n होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 की बात करें तो 1 की पावर 1/3 जब कैलकुलेट करते हैं तो आपने फर्स्ट ईयर में देखा इसका एक आंसर 1 होता है, एक 1 होता है, ओमेगा होता है और एक ओमेगा
स्क्वायर, दीज आर दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या वन। यानी अब क्यूब रूट था तो टोटल कितने निकले, तीन। स्क्वायर रूट है तो टोटल कितने होंगे, टू। ओके, इसके ऊपर मजीद डिस्कशन हो सकती है लेकिन हम थोड़ा टॉपिक से हट जाएंगे अपने। देर आर टू वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू, हैंस डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू जेड पावर वन बाय टू इज अ मल्टीपल वैल्यूड, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन ऑफ z, यानी कि यहां पर बेसिकली ये टू वैल्यूड फंक्शन है तो मल्टीपल वैल्यूड ही हुआ, एक से ज्यादा वैल्यूज आ गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशंस। एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद लेते हैं। इफ W is equal to U plus iota V, ये कोई complex number है तो of course U और V को क्या होना चाहिए, they must be real, is a single valued function, single valued function of z is equal to x plus iota y, is a single valued function of z is equal to x plus iota y, where of course x and y are real, then we write, क्या लिखेंगे हम, w which is equal to f of z, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है z का तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा ना उस पूरे डिस्कशन के तहत, एज u प्लस अयोटा v इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस अयोटा y, या फिर द पेयर u v इज इक्वल टू f ऑफ पेयर x y, पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहां से वो एक रिजल्ट निकालता है, अब ये कोई भी फंक्शन किसी भी अंदाज में डिफाइन हो सकता है। Let me change the marker. Okay. Now, what can we have? For f of x, y is u, v. By equating the real and imaginary parts, real और imaginary parts को equate करने से वो कहता है कि जो u calculate होगा वो एक function होगा जिसके function of two variable होगा जो आप calculus chapter 9 में पढ़ते हैं, और इसी तरह v भी एक function होगा जो कि function of two variables होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस बात को एक्सप्लेन करता हूं कि ये यू और वी इस तरह क्यों निकलेंगे। ठीक है, अगर आप फंक्शन ले लें w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, अब हम देखते हैं यहां से हमारे u और v क्या निकलते हैं, क्या वो दो फंक्शंस बनते हैं या क्या बनते हैं, हम देखते हैं। w विच इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एंड जेड इज ऑफ कोर्स एक्स प्लस आयोटा वाई का स्केयर है, हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्केयर प्लस टू एक्स वाई आयोटा माइनस वाई स्केयर। ओके, ये समझाने के लिए काम कर रहा हूं, अभी मैंने मीट का वहीं तक रोका हुआ, माइनस वाई स्केयर यू प्लस आयोटा वी इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई आयोटा। ठीक है,
अगर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करें तो यू बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वी बनेगा 2xy। ओके, यू कैन सी कि ये एक फंक्शन है जो एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है यू इज यू ऑफ एक्स वाई एंड वी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो मैंने इन जनरल बात लिखी थी कि ये जो कुछ भी होगा एफ ऑफ एक्स वाई रियल और इमेजिनरी पार्ट्स पे इक्वेट करके यू विल बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स दैट इज एक्स एंड वाई एंड वी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स दैट इज एक्स एंड वाई। और उसकी मैंने एक एग्जाम्पल भी कंस्ट्रक्ट कर दी। तो आई होप कि ये जो स्टेप इन जनरल लिखा गया है ये इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। हम इसी को आगे चलाते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम वन कह देते हैं। दस गिवन अ पॉइंट एक्स वाई गिवन अ पॉइंट एक्स वाई इन दी अब हम थोड़ा सा एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप यहां पर डोमेन और रेंज को एक ही सेटअप में नहीं देख सकते बिकॉज डोमेन भी एक टू डायमेंशनल किस्म की चीज है और आपकी जो रेंज है दैट इज ऑल्सो अ टू डायमेंशनल सेटअप। अब हमेशा एक माइंड में एक चीज अज्यूम कर लें उसको आगे चल के उसको मजीद डिटेल में देखेंगे कि डोमेन को जिस प्लेन में मानना है उसको जेड प्लेन कह दिया करेंगे और आपकी क्योंकि रेंज भी एक प्लेन का पोर्शन बनेगी क्योंकि वो भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लेन के अंदर होते हैं तो उसके लिए भी एक प्लेन होगा जिसको डब्ल्यू प्लेन कह दिया जाएगा यानी जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन और इनके दरमियान एक वो रूल होगा जिसको एफ ऑफ जेड कहेंगे। तो ये हम इस तरतीब से चला करेंगे। दस गिवन अ पॉइंट एक्स वाई इन द जेड प्लेन Thus given a point xy in the plane, there corresponds a point u comma v in the w plane. ठीक है, because discussion क्या थी? W is equals to f of z is equals to z का स्केयर। ये x प्लस अयोटा वाई मैप किस पे हो रहा था? u प्लस अयोटा v का स्केयर, यानी कि एक्स वाई जो था वो यहां से क्या निकला? u v पेयर का स्केयर निकला, यानी वो सारी चीजें आपने देख ली। यहां से u का स्केयर था माइनस जो भी चीजें इधर से आ रही थी आपने देख लिया था, वो पीछे मैंने लिखा भी था। तो कहने का मकसद क्या है कि अब कोई भी पेयर आपको z प्लेन में जब आप चूज करेंगे, मैं डायग्राम बना देता हूं, ये आपका z प्लेन है और ये आपका w प्लेन है। अब जब आप कोई भी पॉइंट यहां से चूज करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, तो उसके बदले में आपको यहां पर एक पॉइंट मिलेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स u और v हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है? वो रिलेशनशिप इन जनरल ये वाली है और मैंने एक एग्जांपल में भी करके बताया कि u वाज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड v वाज 2xy। तो वहां से आप u और v कैलकुलेट कर सकते हैं, x और y गिवन हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बन गई एक तरह की। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एसोसिएट हो रहे हैं थ्रू द रिलेशनशिप f ऑफ z। तो मतलब क्या हुआ कि गिवन कोई भी पॉइंट हो z प्लेन में उसके बदले में एक पॉइंट कहां एग्जिस्ट करेगा? W प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेगा। उस पॉइंट को कह दें P डैश। द सेट ऑफ इक्वेशंस one is called a transformation. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है
इक्विवेलेंटली यानी मसावी तौर पर, यानी ये बात भी सेम है, मतलब जो बात ये है वो ये है, इक्विवेलेंटली W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा होता है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनके अंदर फर्दर दो वेरिएबल्स मौजूद हैं। आपके पास अगर डिपेंडेंट वेरिएबल W है, ठीक है, तो W इज U प्लस आयोटा V, तो ये U जो है ये फंक्शन है एक्स वाई का, और आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई के थ्रू आ रहा, तो ये एक्स और वाई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू डिटरमिन करते हैं, ठीक है, इसके जरिए W भी फाइंड हो रहा है, और W में मजीद दो फंक्शंस बन रहे हैं आगे, U ऑफ एक्स वाई प्लस एटा वी ऑफ एक्स वाई, यानी ये एक्स और वाई जो है ये क्रिटिकल है, ये आपको Z कैलकुलेट करके देंगे और उसी Z से फिर आपका W कैलकुलेट होगा। तो जब भी एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन लिखा हुआ हो तो वहां से दो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बनती हैं आमतौर पर। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, वी से दैट, यानी ये पी से पी डैश पर आप आ गए, वी से दैट पी इज मैप्ड और ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफॉर्म इनटू पी डैश बाय डी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन वन, ठीक है, पी डैश इज द इमेज ऑफ पी, पी डैश इज द इमेज ऑफ पी। देखिए यहां पर ग्राफ्स पॉसिबल नहीं है जैसे रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर होती है, ठीक है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर मेरे पास फंक्शन है W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, यानी कि ये एफ ऑफ जेड है, यहां से जो U ऑफ एक्स वाई था वो था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और V ऑफ एक्स वाई था वो था टू एक्स वाई। अब मैपिंग बिटवीन टू प्लेन्स होती है हमेशा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की दो प्लेन्स के दरमियान मैपिंग आ रही होती है, मतलब प्लेन्स के अंदर जो डोमेन्स आपने लिखी होती हैं, दिस इज जेड प्लेन, दिस इज डब्ल्यू प्लेन, ये लेट्स सपोज इसका इमेज है, यानी इन तमाम पॉइंट्स के जो इमेजेस का जो सेट है वो ये पड़ा हुआ है, और ये किस रूल के तहत, जेड स्क्वायर के तहत। अब मैं अगर देखना चाहूंगा, लेट्स सपोज यहां पर एक पॉइंट है 1 2, ये 1 2 किसके साथ लिंक हो रहा है, ये किसके ऊपर मैप होगा वो आपको यहां से पता चलेगा। ये एग्जांपल बड़ी वजह की है, तो इसको हम देखते हैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा, एक्स वाई कितना है 1 2, तो यू इज एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर, यानी दिस इज -3, एंड वी इज 2xy, यानी दिस विल बी 4। तो 1 2 का जो पेयर है जेड प्लेन के अंदर, 1 2 इन Z प्लेन इज मैप्ड ऑन टू -3 4 इन W प्लेन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन, W इक्वल्स टू Z स्क्वायर। तो ये इसका मीनिंग है पूरी डिस्कशन का, ठीक है, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन को बड़ा डिटेल से देखा इस लेक्चर में। रियल वैल्यूड फंक्शंस में क्या होता था कि सिचुएशन वास बड़ी इजी होती थी कि आप एक्स एक्सिस के अलोंग अपनी डोमेन आमतौर पे इंटरवल्स ले लेते थे कि इस इंटरवल के अगेंस्ट जो जो इमेजेस मिल रही हैं उनका आपके पास कोई लेट सपोज ग्राफ बन गया ऐसे करके जो भी है, मगर यहां ऐसा नहीं,
यहां पर जब आप देखेंगे तो आप जब डोमेन के बारे में देखेंगे कि इनिशियल प्लेन तो हमेशा जेड प्लेन लिया जाता है। अब डोमेन यहां पर जो है वो एक रीजन होता है, ओपन कनेक्टेड सेट होता है, बताया था, ठीक है। तो अब यहां पर कोई पॉइंट है, लेट सपोज जेड नॉट विच इज 110। अब मैं इसकी इस पॉइंट की इमेज क्या होगी वो इसके अंदर ही लूं, फिर जैसे वहां ग्राफ बनता था वो सेंस यहां क्रिएट नहीं हो सकती। वहां क्या होता था, वहां तो सिचुएशन सिंपल थी कि ये वन है पॉइंट, इसकी इमेज टू आ रही है, तो आप दोनों से चलते थे, चलते 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 वहां से भी चलते थे, जहां मीट कर जाए दोनों के पास आप कहते थे जी ये उनका इमेज है, ठीक है, ये ग्राफ का हिस्सा है, ग्राफ की डेफिनेशन होता। ऐसे करते करते जो भी पॉइंट्स हैं उनको मिला देते थे, आपके तो फंक्शन का ग्राफ बन गया। वो सिचुएशन यहां पर नहीं है। तो यहां पर हम डोमेन और रेंज को एक ही प्लेन में तो डील नहीं कर सकते, ना ही हम 3D में कर सकते हैं, बल्कि ये 4D का कोई केस बनेगा। बट हम डोमेन और रेंज को दो अलग अलग प्लेन्स में रखकर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। यानी अब ये W प्लेन है, ये पूरा रीजन उठ के काम हो रहा है यहां पर। अगर ये रीजन A है और ये रीजन B है, तो A का B पे मैप होने का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है कि F of A is equals to B, यानी कि B में वो सारे W's मौजूद हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं और वो इमेजेस हैं Z की फॉर ऑल Z belongs to capital A। ये इमेज ऑफ अ सेट की डेफिनेशन है अंडर अ फंक्शन, इसको नोट कीजिएगा जरूर। आगे हम मूव करते हैं, अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं। हमने बड़ी डिटेल से देख लिया कि फंक्शन क्या चीज है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। तो अब हम मूव करते हैं द नोशन ऑफ लिमिट, क्यों ना लिमिट के नोशन की बात की जाए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। लिमिट्स के भाई वहां पे तो था कि जी वो राइट से आए लेफ्ट से आए किसी पॉइंट पे, दोनों अतराफ से जो लिमिट है वो सेम हो तो आप क्या कहते थे कि जी वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यहां पर तो देखें आपकी डोमेन कहां बनती है, प्लेन में बनती है, तो यहां तो एक पॉइंट को अप्रोच करने के बहुत सारे डायरेक्शंस हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्या डिस्कशन करनी है। लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स जेड इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, ठीक है। कोई भी फंक्शन सपोज करें कि वो किसी पॉइंट जेड नॉट के डिलीटेड नेबरहुड में वेल डिफाइंड है, क्योंकि मैंने जेड नॉट के ऊपर लिमिट फाइंड करनी है, तो इसलिए मैं जेड नॉट की रिस्पेक्ट से ये सारी डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। द स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट दैट दी लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड से मुराद फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, द स्टेटमेंट दैट द लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड एज जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट इज अ नंबर डब्ल्यू नॉट, और इस बात को यूं भी लिख सकते हैं लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज डब्ल्यू नॉट मीन्स दैट द पॉइंट W which is equals to F of Z can be made
arbitrarily close to W naught or be arbitrarily close to W naught if we choose the point Z close enough to Z naught but distinct from it. ये इसकी एक इंट्यूटिव डेफिनेशन है. मैथमेटिकल डेफिनेशन को मैं अभी स्टेट करता हूं. पहले इसको हम डिस्कस कर लें कि ये हमने क्या लिखा है. कोई भी फंक्शन है क्योंकि वेल डिफाइंड है इन सम नेबरहुड ऑफ Z नॉट. मुझे बताने दें कि यहां Z नॉट के नेबरहुड से क्या मुराद है. यू ऑल नो क्वाइट वेल कि ये कोई पॉइंट है Z नॉट, तो इसका डिलीटेड नेबरहुड क्या होगा. एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में, कोई भी ओपन डिस्क सेंटर्ड एट Z नॉट और ये सेंटर उसमें से माइनस होगा. ठीक है, तो कोई भी फंक्शन है जो कि ऐसी किसी डिस्क के अंदर क्या है, मतलब ये सारे पॉइंट्स सब उसमें शामिल हैं, वेल डिफाइंड है Z नॉट को छोड़ के. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इन जनरल सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ Z नॉट. द स्टेटमेंट दैट द लिमिट ऑफ एफ ऑफ Z, पर ये जो बात हम कर रहे हैं कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ Z एज Z अप्रोचेस टू Z नॉट, यानी कि लिमिट Z अप्रोचेस टू Z नॉट एफ ऑफ Z इज W, व्हाट डज इट मींस. इट मींस दैट W equals to f of z, this function can be made close to W naught. ये W naught के close हो सकता है arbitrarily, यानी जितना आप चाहते हैं उतना close हो सकता है. मतलब ये exist करने का मतलब क्या है कि आपका W W naught के arbitrarily close हो सकता है if we choose the point Z close enough to Z naught but distinct from it. यानी कि सीधी लफ्जों में इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका variable Z Z नॉट के क्लोज होगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल W W नॉट के क्लोज होगा. बिल्कुल जिस तरह रियल एनालिसिस में करते थे कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल्स टू, अगर L है इट मींस f of x अप्रोचेस टू L एज x अप्रोचेस टू a. जैसे जैसे a के करीब हो रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन L के करीब हो रहा है. इसी तरह जैसे जैसे आप Z नॉट के करीब हो रहे हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि आपने वो डोमेन और डेफिनेशन के अंदर से Z नॉट को माइनस कर दिया है क्योंकि आप डिलीटेड नेबरहुड को ले रहे हैं. तो सेम वे में ये डेफिनेशन टैली कर रही है. अब ये थ्योरेटिकल वर्डिंग के अंदर बात की गई है, हम इसको मैथमेटिकल प्रिसाइज मोशन के अंदर लिखते हैं. मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, लिमिट Z अप्रोचेस टू Z नॉट एफ ऑफ Z इज इक्वल टू W नॉट मीन्स दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो such that f of z minus w naught modulus is less than epsilon whenever jab bhi z minus z naught is less than delta. And of course this value will be zero less than ke sath likha jayega kyunki deleted neighborhood ki baat ho rahi hai. theek hai, to ye definition hai kis cheez ki, limit ki. ये आपने रियल एनालिसिस के अंदर भी स्टडी करनी है. मैं थोड़ा सा बता देता हूं ये डायग्राम वाइज ज्योमेट्रिकली ये बातें क्या कह रही हैं, इनसे क्या मुराद है आपकी. कि अगेन फंक्शंस है तो दो प्लेन्स के दरमियान डिस्कशन है. आपका कोई भी Z नॉट को कंटेन करने वाला एक डिलीटेड नेबरहुड है. वो ये क्या कह रहा है कि जब तक
आपके पास वो वाले z जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये z नॉट वाला जो आपके पास बनेगा एक नेबरहुड, इसका रेडियस डेल्टा होना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि लेस देन डेल्टा की बात है, और z नॉट के ऊपर लिमिट लिखी जा रही है। तो यहां पर ये w नॉट को सेंटर करके भी इधर पर भी एक w प्लेन के अंदर भी क्या बनेगा, एक नेबरहुड बनेगा। वो ये कह रहा है कि जब तक वो तमाम z जिनकी वो तमाम z जो डेल्टा नेबरहुड ऑफ z नॉट के अंदर मौजूद हैं, यानी यहां पे जो z मौजूद हैं, जब तक वो डेल्टा नेबरहुड के अंदर मौजूद हैं, तब तक अगर वो डेल्टा नेबरहुड के अंदर मौजूद हैं तो उनकी इमेजेस w नॉट नेबरहुड के अंदर मौजूद है। यानी अगर इस फंक्शन की लिमिट ने एग्जिस्ट करना है तो इसका मतलब क्या है कि हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक डेल्टा पॉजिटिव ऐसा मिले कि उस डेल्टा नेबरहुड में पाए जाने वाले जो जेड हैं उनकी इमेजेस एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ डब्ल्यू नॉट में पाई जाए। यानी कि अगर आप यहां से कोई जेड चूज करें तो उसकी इमेज इसी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ डब्ल्यू नॉट के अंदर मौजूद हो। क्लोजनेस का मैथमेटिक्स के अंदर मीनिंग डिस्टेंस होता है, तो ये डिस्टेंस की नोशन हमने यूज की है, यानी ये एफ ऑफ जेड यहां पर पाया जाए। तो इसको मैं लिख देता हूं वर्डिंग में ताकि आपको याद रहे ये जो मैंने कहा है, बिकॉज इट्स अ टफ थिंग। ज्योमेट्रिकली दिस डेफिनेशन सेज दैट, दिस डेफिनेशन सेज दैट फॉर ईच एप्सिलॉन नेबरहुड का मतलब क्या है, एप्सिलॉन रेडियस का नेबरहुड, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ डब्ल्यू नॉट, देयर एग्जिस्ट अ डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ जेड नॉट सच दैट कि जितने भी एलिमेंट्स इस डेल्टा नेबरहुड में हैं उनकी इमेजेस इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर हो, सच दैट एवरी पॉइंट जेड इन इट हैज एन इमेज डब्ल्यू इन द एप्सिलॉन नेबरहुड। ठीक है, तो ये डिस्कशन है हमारे पास लिमिट की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। कुछ दो चार रिमार्क्स हम जल्दी से लिखते हैं लिमिट से रिलेटेड, फिर हम कंटिन्यूटी को डिफाइन करेंगे। रिमार्क्स ओके, रिमार्क्स नंबर वन आपके पास है लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज ऑलवेज यूनिक, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी जो लिमिट होगी अगर एग्जिस्ट करती हो तो वो क्या होगी, यूनिक होगी। ये थोड़ा सा मैंने रिलैक्स वे में लिख दिया सेंटेंस, तो इसको मैथमेटिकली हम देख सकते हैं बाद में भी। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि अक्सर हमें काम देगा, उसको मैं सिर्फ स्टेट करूंगा क्योंकि हमें इसके प्रूफ की शायद जरूरत नहीं है। सपोज दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था कि यू प्लस आयोटा वी फॉर्म में लिखा जाता है, डब्ल्यू लिखा जाता है ना बेसिकली, वो W U प्लस आयोटा वी, और U इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, V इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पहले करके दिखा दिया, और कोई
डोमेन का एलिमेंट ले लेते हैं तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम उसको इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं जेड नॉट और डब्ल्यू नॉट भी कुछ होगा डब्ल्यू प्लेन के अंदर, यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट, देन लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू w नॉट इफ एंड ओनली इफ w नॉट विच इज एक्चुअली u नॉट प्लस iota v नॉट इफ एंड ओनली इफ लिमिट x y टेंड्स टू what x y टेंड्स टू x नॉट y नॉट इज इक्वल टू सॉरी फंक्शन क्या है यहां पर u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू यू नॉट एंड लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट v ऑफ एक्स वाई इज v नॉट। तो इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर किसी पॉइंट पे आपकी फंक्शन की लिमिट w नॉट है तो ऑफकोर्स w नॉट की ये शेप मौजूद है। व्हाट डज इट मींस, इट मींस के आपका जो ये टू वेरिएबल फंक्शन बना था ये भी लिमिट पे पार्ट लेगा क्योंकि इसके ऊपर लिमिट फंक्शन की देखनी है जेड नॉट पॉइंट की के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट, और ये फंक्शन डिपेंड करता है इन दोनों पे। तो इस अप्रोचिंग के तहत ये जिस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है वो यू नॉट है और ये जिसको अप्रोच कर रहा है वो वी नॉट है, तो ओवरऑल जो लिमिट बनेगी फंक्शन की वो यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट होगी। फॉर एग्जाम्पल के एफ ऑफ जेड इज यू प्लस आयोटा वी। अब अगर किसी पॉइंट पे आपने लिमिट चाहिए तो जस्ट क्या करो, इसकी लिमिट चेक कर लो उस पॉइंट पे और इसकी लिमिट चेक कर लो और उन्हें ए प्लस आयोटा वी फॉर्म में एड कर दें, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थे दो रिमार्क्स और नेक्स्ट टाइम अराउंड हम इससे आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।